नमस्कार साथियों, नवजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफर करियर के लिए स्टेनोग्राफी के अभ्यास, नई नई डिक्टेशन, स्पीड बढ़ाने की ट्रिक्स, शब्द चिन्ह, वाक्यांश और टिप्स फॉर सक्सेस आदि बताए जाते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली स्टेनोग्राफी की परीक्षाओं में निश्चित सफलता हेतु हमारे वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। साथियों, ये सब आपको लगातार मिलता रहे, इसके लिए कृपया हमारे नवजागृति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शॉर्टहैंड में किसी भी प्रकार की कठिनाई के संबंध में आप ईमेल या कमेंट या मोबाइल द्वारा समाधान ले सकते हैं। मेरा नाम अजय सक्सेना है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथियों, ये डिक्टेशन 145 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जिसका समय 10 मिनट का है। स्टार्ट। महोदय, निसंदेह ही आज भी हम भले ही कई मुश्किलों का सामना कर रहे हों, फिर भी हम 1991 के उन दिनों जैसी स्थिति में नहीं हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमने काफ़ी भरपाई कर ली है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। श्री राव के नेतृत्व के बिना यह संभव नहीं था। अब यह अटकल लगाना व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण भी है कि कोई और नेता होता तो क्या कुछ ज़्यादा बेहतर किया जा सकता था या नहीं। तथ्य यह है कि वही नेता थे जिनके कारण हम एक ऐसी स्थिति तक पहुंच गए हैं जो देश और उसकी तरक्की के लिए निरापद हैं। हम जिस अवधि से गुजरे हैं वह बहुत मुश्किल और हलचल पूर्ण थी। सोवियत संघ के पतन और विघटन से हमारी जो कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी उसका आधार ही खत्म हो गया। ऐसा लगता है कि हमारे देश में कुछ लोग इस घटना का पूरा मतलब नहीं समझ पाए हैं। बेशक यह कम्युनिस्टों और आधुनिक समाजवाद के अन्य समर्थकों के लिए बेहद चिंता का विषय था। इससे उन सभी निष्पक्ष देशभक्तों को काफ़ी दुख हुआ जिनके लिए सोवियत संघ अच्छा मित्र था और अकेली विदेशी शक्ति थी जो हमेशा हमारे साथ खड़ी होती थी। उससे हमें काफ़ी नैतिक और भौतिक समर्थन भी मिला था। हमारे देश में सोवियत संघ के तमाम मित्रों में भी सभी लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के हिसाब से इसका क्या मतलब था और है। जब हमें सख्त ज़रूरत थी तो कोई ऐसा नहीं था जिसकी ओर हम देखते। घबराने और अपने देश को दिवालिया राष्ट्र घोषित करने के बजाय प्रधानमंत्री ने मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया, हमें इस संकट से निकालने की व्यवस्था की और साहस के साथ देश को एक नए आर्थिक रास्ते पर अग्रसर किया। कांग्रेस ने
अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसकी मोटी रूपरेखा न बना ली होती तो बेशक यह संभव न हो पाता। इस घोषणा पत्र के मुख्य निर्माता स्वयं राजीव गांधी थे और इसे तैयार करने में श्री राव उनके मुख्य सहायक थे। देश को संकट से उबारने और नए आर्थिक रास्ते पर ले जाने में बेशक मनमोहन सिंह की देशभक्ति, विद्वत्ता और ख्याति महत्वपूर्ण कारण थे। नई आर्थिक नीति जनता के हित में नहीं है, इस काल्पनिक तथ्य को लेकर काफ़ी हंगामा मचाया जा रहा है। इसके उलट अगर उसे अपेक्षित ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है तो इसकी वजह यह है कि जनता के नाम पर हर तरह की आंशिक और कारपोरेट मांगें पूरी की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने दो महत्वपूर्ण तरीकों से नई आर्थिक नीतियां बनाने में अपना योगदान दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने नई नीति लागू करने के लिए मध्यम वर्ग अपनाने पर जोर दिया है। नए आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने में उन्होंने जो दूसरा महत्वपूर्ण योगदान किया है वह है इसके पक्ष में राष्ट्रीय सहमति बनाना। महोदय, हमारे देश में राजनीतिक विचारों में जितनी भिन्नता है उसके मद्देनज़र यह एक असाधारण बात है, जबकि इनमें से ज़्यादातर लोग यही ठाने रहते हैं कि चाहे जो हो और भी जो मुद्दा हो उन्हें विरोध करना है। चुनाव में झटकों और यदाकदा टेढ़े मेढ़े रास्तों के बावजूद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो नई आर्थिक नीति बनाई गई है उसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है। माकपा से लेकर जनता दल और भाजपा तक आर्थिक क्षेत्र में मूलभूत सुधार के अलावा पंजाब में नाटकीय बदलाव आया है। बंदूक की लड़ाई की जगह अब पूरी तरह बैलेट की लड़ाई ने ले ली है। उस प्रदेश की जनता के लिए यह दूसरी आज़ादी से कुछ कम नहीं है। असम और उत्तर पूर्व के कई हिस्सों में भी ऐसे बदलाव आए हैं, हालांकि वे पंजाब जैसे नहीं हैं। ऐसा समझना कि आतंकवाद का खतरा टल गया है बेशक गलत होगा, पर जो सफलताएं हमने पाई हैं उन्हें स्वीकार न करना कम गलत नहीं होगा। पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने को भी साधारण काम नहीं समझा जाना चाहिए। इस कदम से महात्मा गांधी के सपने और दिवंगत राजीव गांधी की लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता फलीभूत हुई है। यह संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप लोकतांत्रिक क्रांति को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। इससे हमारे राष्ट्र का लोकतांत्रिक आधार मजबूत हुआ है। हिंदुत्व के घटते उन्माद का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भाजपा और शिवसेना को चुनावी सफलता भले ही मिल गई हो, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व भी मानता है कि उसका मुख्य कारण कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार, बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी आदि जैसी सामान्य समस्याओं से निपटने में कांग्रेस सरकार की नाकामी थी, ना कि सांप्रदायिक भावनाएं। हिंदू सांप्रदायिकतावाद में स्पष्ट कमी आना बहुत बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है। इन सबसे महत्वपूर्ण है सार्वभौमिक मामलों में भारतीय व्यक्तित्व का फिर से उभरना। इसके आयाम हमारे विदेश संबंधों में आर्थिक अंश की वृद्धि से कहीं अधिक हैं। चीन से संबंध लगातार सामान्य होते जा रहे हैं। भारत ईरान संबंध फिर कायम हो गए हैं। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के साथ परस्पर लाभ के सहयोग की नई संभावनाएं बनी हैं। अमरीका और अन्य विकसित पूंजीवादी देशों से सहयोग बढ़ाने की दिशा में समुचित ध्यान दिए जाने के बावजूद किसी भी मसले पर हम नहीं झुके हैं। समर्पण की बात तो दूर है, इसमें आर्थिक संबंधों के महत्वपूर्ण स्वरूपों के अलावा रक्षा का क्षेत्र भी शामिल है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है परमाणु अप्रसार संधि के मामले में हमारा अपनी नीति पर कायम रहना, जबकि इसके लिए हम पर कई दिशाओं से भारी दबाव डाला गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को नई नीति देने के प्रयास भी चल रहे हैं। इन सब उपलब्धियों को मिलाकर एक बात यह है कि प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा काम यह किया कि हमारे देश में शासन पुनः स्थापित कर दिया और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाया। महोदय, देश की लगभग 3/4 जनसंख्या गाँव में रहती है।
जिनकी आय कम होने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कमजोर वर्गों और गरीबों, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विकास एवं गरीबी उन्मूलन भारत की विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है। ग्रामीण विकास का व्यापक दायरा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों एवं ग्रामीणों के जीवन स्तर का सर्वांगीण विकास शामिल है। इसका अर्थ निर्धनतम लोगों की अपनी स्थानीय सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में उत्पादन क्षमता की वृद्धि है। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में पूंजी का निवेश एवं उसका विस्तार, उत्पादक शक्तियों का विकास तथा निर्धन एवं बेरोजगार ग्रामीणों का अर्थव्यवस्था के उत्पादक विकासशील क्षेत्रों में सम्मिलित होना आवश्यक है। मंत्रालय की गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य गरीबी पर सीधा प्रहार है, जिसके अंतर्गत विशेष मजदूरी रोजगार व स्वरोजगार कार्यक्रम, भूमि सुधार, बंजर भूमि विकास एवं जल संभरण विकास कार्यक्रम हैं। इनमें स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, ग्रामीण स्वच्छता, कृषि विपणन, ग्रामीण आवास है तथा लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा सहायता और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एवं कृषि विपणन केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था शामिल है। गरीबी उन्मूलन के प्रयासों का महत्व इसकी योजनाओं के आवंटन में वृद्धि को बताता है, जहां नौवीं योजना में इसका परिव्यय 40,000 करोड़ रुपए था, उसे बढ़ाकर 10वीं योजना में 80,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस बढ़े हुए परिव्यय के साथ साथ, जैसा कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण संविधान अधिनियम 1992 में बताया गया है, लोगों की कार्यक्रमों में बेहतर भागीदारी प्राप्त होगी, जिससे निर्धन ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रयास को नई दिशा प्राप्त होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय प्रयास में ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रमों को दी गई नई दिशा की एक झलक इस पुस्तिका में प्रस्तुत है। ग्रामीण गरीबियों की समस्या कम ग्रामीण उत्पादकता और अल्प रोजगार व बेरोजगारी से जुड़ी है। यद्यपि विकास की सामान्य प्रक्रिया के अधीन ही उत्पादक रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित किए जाते हैं, फिर भी ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार पैदा करने तथा आय के कुछ न्यूनतम स्तर प्राप्त करने हेतु विशेष रोजगार कार्यक्रमों की सतत आधार पर जरूरत है। उपर्युक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समय समय पर रोजगार सृजन की विभिन्न योजनाएं चलाई गई थीं। सातवीं योजना के आखिरी वर्ष में 1 अप्रैल 1989 से उस समय विद्यमान 2 रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में मिला दिया गया था। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार पुरुषों तथा महिलाओं के लिए अतिरिक्त फायदेमंद रोजगार का सृजन करना है। ग्रामीण आर्थिक आधार ढांचे को सुदृढ़ बनाकर सतत आधार पर रोजगार के अवसर सृजित करना है। महोदय, सामुदायिक और सामाजिक परिसंपत्तियां सृजन करना ग्रामीण गरीबों को प्रत्यक्ष तथा निरंतर लाभ पहुंचाने हेतु उनके लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करना